बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाजिम। कोविड-19 के डेज़ में जहाँ पे तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, बच्चों का तालीमी सिलसिला रुक चुका है, लेकिन इन डेज़ में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि तलबा का नुकसान कम से कम हो और वो घर बैठे तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहें। अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश है, ये डिज़ीज़, और हर आजमाइश में अल्लाह ताला हमें एक सबक ज़रूर देता है। जैसे कि इस डिज़ीज़ की वजह से हमें ये सीखने को मिला है कि अगर इस तरह की मुश्किलात आएँ तो हमने तालीमी सिलसिले को आगे किस तरह से जारी रखना है, हमें एक सीखने को नया कुछ मिला है। सेमेस्टर्स आपके पास बहुत कुछ वक्त है, बहुत कीमती वक्त है, आप सारे दिन फ्री होते हैं घर में, आपके पास बुक्स मौजूद हैं, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपके पास लेक्चर्स मौजूद है, आप अपनी तरफ से बैठ के मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हर स्टूडेंट की लाइफ में कामयाबी और नाकामी की जो असबाब होते हैं वो वाजे होते हैं। नाकामी के असबाब भी सब जानते हैं और कामयाबी के असबाब भी जब उसको एक्सप्लोर किया जाता है तो हमें वाजे तौर पर पता चलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम नाकाम क्यों होते हैं, हमारी नाकामी जो होती है वो फिर शर्मिंदगी क्यों बन जाती है, वो क्या वजूहत होती हैं। सबसे पहली जो वजह होती है वो करप्शन होती है कि हम करप्ट होते हैं, हमारे पास सिर्फ बातें होती हैं, हम धोखा दे रहे होते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने मजबूत हैं, जब इम्तिहान का वक्त आएगा तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, एक सरप्राइज देंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे, हमारे कौम को फख्र होगा हम पे। तो ये करप्शन होती है जो कि हम अपने आप से झूठ बोल रहते हैं। हकीकत में हमारे पास जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो दिखाने के काबिल नहीं होती और हम झूठी अना में मुबतला होते हैं। पुअर प्लानिंग, हम प्लान नहीं कर रहे होते, हम ट्रेन नहीं होते, हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं हम उनसे सही ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते, या उन ट्रेनर्स का लेवल इतना अच्छा नहीं होता, हम सिर्फ बातों नहीं होते हैं, सिर्फ बातें करना आता है हमें, और जबकि हमारे चेहरे और दिल उतने ही गंदे होते हैं। पैशन नहीं होता, ज़ीरो करेज होती है हमारे अंदर, पेट्रियाटिज़म नहीं होता, और आखिर में होता यह है कि ये तमाम चीज़ें मिल के एक वक्त आता है जब आजमाइश की घड़ी आती है तो उस आजमाइश की घड़ी में हम नाकाम होते हैं, और वो नाकामी का लम्हा तो सिर्फ एक ही एक दिन ही होता है, लेकिन जो जिल्लत मिलती है वो फिर ज़िंदगी भर साथ रहती है। इसके बरक्स जो कामयाब तलब इल्म होते हैं, जो कामयाब तलबा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसके बरक्स होते हैं। उनकी क्या खूबियाँ होती हैं, वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, उनके अंदर जज्बा होता है सीखने का, नया कुछ करने का, वो हार नहीं मानते, उनके ट्रेनर्स बहुत परफेक्ट होते हैं, वो खुद बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ उन्हें सिखाया जाता है वो उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अपने दिमाग में उसके प्लान्स बनाते रहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते रहते हैं, वो अपनी लाइफ में गोल्स रखते हैं, सेट रखते हैं अपने गोल्स को, वो प्लानिंग मजीद अच्छी से अच्छी करते जाते हैं, और हर एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें बेस्ट प्लान मिलती है। मुहिब्बे वतन होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, शहादत का जज्बा उनके दिल में होता है, और फिर इस तरह के जो हीरोज होते हैं वो कौम के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं, और फिर उनकी बातें सदियों तक याद रखी जाती हैं, और वो दुश्मन के लिए एक दोनों ख्वाब बन जाते हैं, जबकि अपनी कौम के लिए वो एक सरमाया बन जाते हैं, एक फख्र बन जाते हैं। हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ हम आ रहे हैं। इसमें हमारे पास एक वेक्टर दिया गया वी वेक्टर, दैट इज 1 माइनस 3, इसको इसी में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ऑब्वियसली जब हम 2 माइनस 2 करते हैं तो हमें 0 मिलता है, लेकिन जब किसी वेक्टर को अपने आप में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो देता है वो 0 वेक्टर ही होता है। वी माइनस वी करते हैं, 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट ही माइनस होगा, सेकंड में से सेकंड ही माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, 0 देता है तो आपको एक नल वेक्टर मिलता है। इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है कि आप पहले कोएफिशिएंट का स्क्वायर लें प्लस दूसरे कोएफिशिएंट का स्क्वायर लें, और इनका स्क्वायर रूट है उसके ऊपर, तो आपका आंसर आता है 10 स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट है मेरे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी इज इक्वल टू 3 माइनस 4। तो वी वैक्टर है, इसको वैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, 3i-4j, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 5 आता है। यूनिट वेक्टर है हमारे पास वी है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, इस 5 को इन दोनों के नीचे इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। सेम एज इट इज हमने वेरीफाई करना है कि क्या वाकई जो हमने निकाला है ये यूनिट वेक्टर है भी कि नहीं है, ये अपनी डेफिनेशन को वेरीफाई करेगा। डेफिनेशन क्या है कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होते हैं, तो आए हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं,
आई के क्वेश्चन का स्केयर प्लस जे के क्वेश्चन का स्केयर 9/25 प्लस 16/25, तो इसका एलसीएम लेते हैं 25 आता है, 9 प्लस 16 25 और 25 दैट इज कॉल्ड 1, और 1 का स्क्वायर आपके 1 ही आता है, तो लिहाजा ये प्रूव हो गया कि ये आपके पास यूनिट वेक्टर ही था। एग्जांपल नंबर 3 है, हमारे पास एक वेक्टर दिया गया v = 2i + 6 है और नेक्स्ट है v = -2, 4 है, तो आपने इनके भी यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं। सेम उसी कांसेप्ट के जरिए आप पहले उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद v वेक्टर दैट इज कॉल्ड वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड के फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सेम एज इट इज आप इसका सेकंड पार्ट भी वैसे करेंगे, आप इसको वेक्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और यूनिट वेक्टर की इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सेट दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस रेस्पेक्टिवली -2 कॉमा -3, ये ए की वैल्यू है और जो नेक्स्ट बी है वो 1,4 है और सी आपके पास ये है, डी अननोन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेट ए बी सी एंड डी जो है आपके पास ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो इस वजह से बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम ये डायग्राम पैरेललोग्राम तब होगी अगर ए बी और सी डी बराबर होंगे और ए सी और बी डी बराबर होंगे। तो इनमें से पहली चीज को मैं इस्तेमाल करता हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ए बी जो होगा ओ बी माइनस ओ ए के बराबर है और सी डी जो है वो ओ डी माइनस ओ सी के बराबर है। ओ बी की वैल्यू 1,4 माइनस ओ ए की वैल्यू -2, -3 दैट इज इक्वल टू x, y -0, -4 1, -2 एंड 4, -+3 करते हैं तो आपके पास ये 7 आ जाता है और राइट हैंड साइड पे x -0 x देता है और y -+5 देता है। तो पहला कोऑर्डिनेट पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तो x की वैल्यू 3 आती है और y+5 = 7, x = 3 और y = 2 के बराबर आता है। ये डी आपके पास अननोन तो आपको मिल गया। नेक्स्ट है आपके पास वेरी फेमस फार्मूला, रेशियो फार्मूला जिसे कहते हैं, और इसी की मदद से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये कि स्टेट एंड प्रूव रेशियो फार्मूला। जब स्टेट की बात की जाती है तो एक नंबर स्टेटमेंट का होता है और फिर 4 नंबर इसके प्रूफ के होते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स, ए और बी हमारे पास फर्स्ट के 2 पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसके 2 पॉइंट्स है ए बी, और ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है और बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है। लेट करते हैं कि पी कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को पी रेशियो क्यू से डिवाइड करता है, तो देखते हैं कि क्या आता है। और यहाँ पे एक ओरिजिन है, ये ओ ए पहला पोजीशन वेक्टर होगा, ये स्मॉल ए के बराबर है और यहाँ पे ये ओ बी है तो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी के बराबर है, ओ पी का पोजीशन वेक्टर आपके पास आर के बराबर है। तो हमने प्रूव करना है कि आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी और पी प्लस क्यू के बराबर है। प्रूफ की तरफ आते हैं, लेट ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो पी रेशियो क्यू। फ्रॉम फिगर हमें क्लियर नजर आ रहा है कि जो पॉइंट पी है ये पी डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को पी ए रेशियो पी बी दैट इज इक्वल टू पी रेशियो क्यू। तो रेशियो की डेफिनेशन के मुताबिक ये देगा ए पी और डिवाइडेड बाई पी बी दैट इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। हमने ए पी और पी बी की वैल्यू फाइंड करने, हमारे पास दो ट्राइंगल है इसके अंदर, एक है ट्राइंगल ओ ए पी, इस ट्राइंगल को लेदर साल्व करेंगे और ओ पी बी को लेदर साल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए पी में हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक आता है ओ पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी, ए पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ओ उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए, ए पी इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू आर के बराबर है जबकि ओ ए आपके पास ए के बराबर है। और सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल ओ बी पी लेंगे तो ओ बी पी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक देता है ओ बी इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी बी, यहाँ से मुझे पी बी की वैल्यू चाहिए, ओ पी इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ पी, पी बी इज इक्वल टू बी माइनस आर आपके पास ये है। ये तमाम वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपको मिलता है आर माइनस ए और बी माइनस आर दैट इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर माइनस क्यू ए दैट इज इक्वल टू पी बी माइनस पी आर, आर वाले टर्म्स को एक साइड पर लेके आते हैं पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी, आर कॉमन लेते हैं देता है पी प्लस क्यू इंटू आर दैट इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी, आर के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई इधर आके ये डिवाइड हो जाती है तो आर आपके पास ही आ जाता है। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है रेशियो फार्मूले का। अगर यहाँ पर फर्स्ट के ऐसे हो जाता है कि ये जो पॉइंट पी है अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट बन जाए तो ये जो पी की वैल्यू होगी ये 1 हो जाएगी और जो क्यू की वैल्यू होगी वो भी 1 हो जाएगी। तो देखते हैं जब अगर इस फार्मूले में क्यू 1 हो जाए और पी 1 हो जाए तो देखते हैं हमारे पास ये क्या बनता है। तो इसका फार्मूला आता है एफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन पी रेशियो क्यू विल बी 1:1, तो आपके पास जो पोजिशन वैक्टर होगा वो होगा आपके पास आर इज इक्वल टू
ए प्लस बी बाई टू के बराबर, तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं पी और क्यू, हमें कोई पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो कि पी क्यू और उसको हमने एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। पी जो है पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक ओपी के बराबर होगा और वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जाएगा 2i प्लस 3j, और क्यू लिखा जाएगा ओ क्यू दैट इज इक्वल टू 6i माइनस 2j। पी क्यू फाइंड करें तो वो देता है ओ क्यू माइनस ओपी, और पी क्यू दैट इज इक्वल टू ओ क्यू की वैल्यू पुट करें माइनस ओपी की वैल्यू पुट करें सब्ट्रैक्ट करें देता है 6i माइनस 2i और माइनस 2j माइनस 3j, 6i माइनस 2i 4i देता है, माइनस 2j माइनस 3j देता है आपको माइनस 5j, ही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सेम एज इट इज हम सेकंड पार्ट को करेंगे। p आपको दिया गया 0.5, q दिया गया माइनस 1.-6, आपने पी क्यू फाइंड करना है। ये ओ पी और ओ क्यू आपके पास मौजूद है, पी क्यू होगा लास्ट में पॉइंट क्यू आ रहा है तो शुरू में ये क्यू ओ क्यू आ जाएगा, और शुरू में आपके पास पी आ रहा है तो ये फिर एंड पे चला जाएगा और ये देता है ओ क्यू। ओ पी की वैल्यू पुट करें, ओ क्यू की वैल्यू पुट करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। एक वेक्टर दिया गया, मैंने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कार्य है कि आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाता है यू मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 53 स्क्वायर रूट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यू इज इक्वल टू आई प्लस जे दिया गया, अगेन आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 1 है, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 1 है, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट देता है आपको। नेक्स्ट वेक्टर भी आपको दिया गया, सेम एज इट इज आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया u इज इक्वल टू 2i माइनस 7j, v इज इक्वल टू i माइनस 6j, w इज इक्वल टू माइनस i प्लस 5j, माइनस i प्लस j आपको ये दिया गया। हमने फाइंड करना है u प्लस v माइनस w, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे u की वैल्यू प्लस v की वैल्यू माइनस w की वैल्यू, ये माइनस का साइन अंदर जाकर मल्टीप्लाई होके साइन चेंज कर देगा 2i प्लस i 3i प्लस i 4i माइनस 7 माइनस 6 माइनस 13 और माइनस 1j, ये माइनस 14j देता है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है 2u माइनस 3v प्लस 4w, इसके अंदर u v और w की वैल्यू पुट करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, i वालों को आपस में कंबाइन करेंगे, इस 4i प्लस के साथ ये माइनस का 4i कैंसिल हो जाता है और माइनस 3i बच जाएगा, माइनस 14j प्लस 18j प्लस 4j देता है और 4j प्लस 4j आपको 8j देता है, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 1 बाई 2 u प्लस 1 बाई 2 v प्लस 1 बाई 2 w, इसके अंदर u v और w की वैल्यू पुट करें, हम इस सारे में से 1 और 2 कॉमन निकालते हैं तो बाकी बच जाता है 2i माइनस 7j प्लस i माइनस 6j प्लस इंटू माइनस i प्लस j, इनको कंबाइन करेंगे, ये प्लस का i और ये माइनस का i कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 7j माइनस 6j आपको देता है माइनस 13j और प्लस 1j करें तो माइनस 12j देता है, इस 2 को अंदर डिवाइड करेंगे तो बाकी आपको माइनस i माइनस 6j आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आता है। नेक्स्ट है मेरे पास फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a b एंड c d गिवन द फोर पॉइंट। आपको a b c d दिए गए हैं, आपने पहले a b फाइंड करना है, फिर आपने c d फाइंड करना है और फिर आपने इन दोनों को ऐड करना है। हम जानते हैं कि पहला पॉइंट जो है वो o a के बराबर है, दूसरा पॉइंट o b के बराबर है, तीसरा पॉइंट o c के बराबर है और चौथा पॉइंट आपके पास o d के बराबर है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल a b फाइंड करेंगे, a b एक्चुअली आपके पास बराबर है ओ बी माइनस ओ ए के, प्लस सी डी जो बराबर है वो ओ डी माइनस ओ सी के बराबर है। ओ बी ओ ए ओ डी और ओ सी की वैल्यू इसमें पुट करें तो आपको यहां से जो चीज मिलती है वो देती है आई प्लस जे प्लस इंटू माइनस आई माइनस जे, ये प्लस का आई और ये प्लस का आई और ये माइनस का आई कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का जे और ये माइनस का जे कैंसिल हो जाएगा तो आपको एक नल वेक्टर मिलता है, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Find the vector point A to origin where A is equal to i minus 2j and D is the point minus 2 comma 5. Given that हमें ये पहले वेक्टर दिया गया, हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है, हमें A भी दिया गया है, हमें O भी दिया गया है, हमने फाइंड करना है AO, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर A भी एक्चुअली बराबर होता है OB माइनस OA। यहाँ पे OA इस्तेमाल हो रहा है जबकि मुझे तो चाहिए AO। हम ये बात जानते हैं कि ओ ए की अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो ये अपने नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, माइनस ए ओ के बराबर हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस बाहर एज इट इज है और ओ ए की जगह पे आ जाएगा माइनस ए ओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मुझे यहाँ से क्योंकि ए ओ की वैल्यू फाइंड करनी है, ओ बी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, देखा ए बी माइनस ओ बी, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जो ए बी का 4 माइनस 4i माइनस 2j करें तो ये आपको देता है 4i प्लस 2i करें तो 6i देता है और माइनस 2j माइनस 5j करें तो ये आपको 7j देता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर भी कहूँगा
बहुत पढ़ें, बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत मेहनत करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।